हेलो दोस्तों, मैं दीपिका। मेरे चैनल दास्तां रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मिर्ची के पकोड़े की रेसिपी, जो बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 300 ग्राम मिर्ची ली है, बड़े वाली मिर्ची होती हैं, ये तीखी नहीं होती। और अब इनको धो के मैंने सूती कपड़े से पोंछ लिया था। अब ऐसे चीरा लगाना है इनमें और इनके बीज निकालने हैं। बीज बहुत कम होते हैं इनमें, ज़्यादा नहीं होते। और एक चम्मच की डंडी की मदद से ये बीज आसानी से निकल जाते हैं, देखो ऐसे बिल्कुल आराम से। और जो बीज एक दो रह जाता है इसमें अंदर, तो इसको पलट के और चम्मच ऊपर ऐसे मारते हुए वो भी झड़ जाता है, देखो ऐसे। एक का और निकाल के दिखाती हूँ। और जो ये चाकू से चीरा लगाते हैं, ये नीचे तक मत कट करें मिर्च को, देखो ऐसे। और इसके भी ऐसे करके तो ये निकल जाते हैं बीज आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। और जो रह जाता है एक दो बीज, उसको पलट के मिर्च को, देखो ऐसे। अभी सभी मिर्चों को ऐसे बीज निकाल करके, और देखो मैंने सभी मिर्चों के बीज निकाल लिए हैं। और अब ये छोटी वाली मिर्च हैं, इनसे भी मैं पकौड़े बनाना बताऊँगी कि कैसे बनाते हैं। ये मैंने 6 आलू लिए थे बड़े साइज़ के, और स्वाद के अनुसार नमक डाला है, और आधा चम्मच ये लाल मिर्च। और अब इसमें जाएगा गरम मसाला आधा चम्मच, और एक चम्मच भर के अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला। आधा मैंने ये प्याज काट के डाला है, आप चाहें तो एक डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्च बारीक काट के, और धनिया बहुत सारा डालें। और इनको मिक्स करते हुए अच्छे से एक फीलिंग तैयार करेंगे, देखो फीलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। और इसको खा के टेस्ट कर लें, अगर कम ज़्यादा नमक मिर्च रहे तो दोबारा डाल सकते हैं। पकौड़ों की कोटिंग के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है, और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, मिर्च भी डालेंगे, थोड़ी डालना देखो ऐसे। और ये आधा चम्मच गर्म मसाला, ये धनिया पाउडर आधा चम्मच, और भुना जीरा आधा चम्मच मैंने भुना जीरा डाला है, और आधा चम्मच अजवाइन, ये ज़रूर डालें, ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, ज़रूर डालें इसमें, देखो ऐसे। और अब थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा ही डालें बेकिंग सोडा भी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ये घोल तैयार करेंगे, देखो ऐसे, पकौड़ों के लिए, ताकि मिर्च को इसमें डिप करके हम तल सकें, देखो ऐसे। घोल हमारा ऐसे रनिंग में होना चाहिए घोल। और अब मिर्चों की फिलिंग करेंगे, देखो ऐसे। ये एक दो मिर्च को फिल करके मैं दिखा देती हूँ, देखो चम्मच की मदद से आराम से हो जाता है। ये बैटर कम या ज़्यादा डालना आपके ऊपर है, जितना डालना चाहे। और एक और को मैं फिल करके दिखाती हूँ, देखो ऐसे, हाथ की सहायता से भी कर सकते हो और चम्मच की सहायता से भी, देखो ऐसे आराम से फिल हो जाता है ये आलू। और इसको ऐसे बंद करते हुए जो फालतू का है वो हटा देंगे। ऐसे ही सभी मिर्चों को हम भर लेंगे, देखो भर लिया है सभी मिर्चों को। और अब जो हमने वो हरी मिर्च छोटे वाली ली थी, उसका भी हम कैसे पकौड़ा बनाएंगे, ये जो फिलिंग वाला आलू है इसको उसके ऊपर कोट करेंगे मिर्च के ऊपर, देखो ऐसे। और एक पकोड़े की शेप देंगे, जैसे मिर्ची का पकोड़ा होता है, देखो ऐसे। ये भी बहुत टेस्टी बन के तैयार हो जाते हैं, देखो ऐसे हाथ से दबाते हुए ऐसे गोल करके, और एक मिर्ची की शेप दे देंगे। और ऊपर डंडी रखें, डंडी बाहर रहेगी इन मिर्चों की, देखो ऐसे। ये मैंने कर लिए हैं मिर्चों को, और अब ये कोटिंग करके बेसन की, और इसमें छोड़ते जाएंगे तलने के लिए। और जो इसका ऊपर का सिरा है उसको पकड़ के ऐसे थोड़ा सा नचोड़ के और फिर डालना है। फिर भी इसमें चूंचे सी बन जाती हैं, वो हम बाद में काट सकते हैं, देखो ऐसे ऐसे डालना है। और जितनी एक बार में आए उतनी ही डालें, ज़्यादा मत डालें, क्योंकि तलने में फिर ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, आराम से। और अब इनको हिलाते हुए तेल को जैसे हिलाते रहें थोड़ा थोड़ा सा, और ताकि ये चारों तरफ से एक जैसे सिक सके मिर्ची का पकौड़ा।
देखो ऐसे धीरे धीरे ऐसे हिलाते रहें इसको, और ऐसे करते जाएं, हिलाते जाएं, और मिर्ची का पकोड़ा बन करके तैयार हो चुका है। देखो ये जो चूंचे सी है ये हम बाद में काट देंगे कैंची की मदद से। कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है देखो, एक बार और मैं डाल के दिखाती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखो ऐसे, और इनको थोड़ा सा दबा के भी आप सेक सकते हो अगर कहीं से कच्चा दिखे। देखो ऐसे हिलाते हुए, वैसे तो चारों तरफ से एक जैसे सिक जाते हैं जब आप हिलाते रहोगे। देखो मिर्ची का पकौड़े हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। देखो ऐसे बहुत टेस्टी बनते हैं ये, और ये छोटे वाली मिर्च के हैं। देखो ऐसे ये भी जैसे मिर्ची का पकौड़ा होता है ऐसे ही लगते हैं, और खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखो आराम से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे भी जो ये बने हुए हैं चुंचे सी, तो इनको हम बाद में काट लेंगे। देखो मिर्ची का पकोड़ा बन करके हमारा तैयार हो गया। आप भी ऐसे ही बनाएं और अपने अनुभव कमेंट करके दास्ताएं रसोई में मेरे साथ शेयर करें। ओके बाय बाय। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।